सो हेलो एंड वेलकम एवरी वन वेलकम टू जी आर एस टेक्निकल तो कैसे हो आप सब आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन को ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साल दो हज़ार सात से लेकर के दो हज़ार इक्कीस तक में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर टू जो कि है हमारा सोल्यूशन ठीक है तो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि वॉट इज फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज देखिए द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज आप सभी लोग पढ़े हुए हो जानते हो कि फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज क्या होता है मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इन टू हंड्रेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस आपको यहां पे इतने चार ऑप्शंस मिल जाएंगे लेकिन कोई एक जो है वो करेक्ट आंसर होगा तो इसका आंसर जो होगा मास परसेंट का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा द सल्यूशन विच ऑबेज राउल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन एज देखिए राउल्ट लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव में, में भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो राउल्ट लॉ को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को रट जाना है ठीक है अब यहां पे पूछा जा रहा है द सल्यूशन विच ऑबेज राउल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन एज तो इसका आंसर हो जाएगा आइडियल सोल्यूशन अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज फॉर तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है वो यूज होता है डिसलिनाइजेशन ऑफ वाटर के लिए आप सभी लोग जानते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा मोलैरिटी क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे हमें पुट करना है तो आप सभी लोग जानते हो कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स है ना तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोलैरिटी इज डिनोटेड विद विदिये मोलैरिटी ऑफ मोलैलिटी ये आपको बहुत अच्छे से रिविजन होना चाहिए मोलैलिटी और मोलैरिटी यहां पे मोलैलिटी के बारे में पूछा जा रहा है तो मोलैलिटी जो है उसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वो कि आर क्या होते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट नोन एज सोल्यूशन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कॉपर और जिंक इज इक्वल टू वोट तो ऑप्शन नंबर सी ब्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाएगा फिर है हमारा डैश आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ दिखे तो फ्लोराइड आयन यू ऑल नो कि इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है कि डैश इज यूज इन रैट्स पॉइजन तो सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो रैट के पॉइजन में यूज किया जाता है सो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट हो जाए सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही इसी के साथ जय हिंद वंदे